दोस्तों द बार्थ 10,000 बीसी कन्नड़ा यानी सैंडलवुड इंडस्ट्री की एडवेंचर हिस्टोरिक मूवी है, जिस मूवी के अंदर 10,000 साल पुरानी एक स्टोरी दिखाने की कोशिश की है। और आज इस मूवी के ट्रेलर रिलीज हुई है, लेकिन ट्रेलर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलीज हुई है। ऐसा लगता है दोस्तों, जबकि इस टाइप की इस कैटेगरी की मूवी इंडिया में पहली बार बने हैं, तो सिर्फ अगर कन्नड़ा भाषाओं के साथ रिलीज करती तो दोस्तों बहुत ऑडियंस को समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों इसीलिए ही इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ट्रेलर को आज रिलीज की गई है, जबकि इस मूवी के टीजर तो बहुत दिन पहले ही आ चुके थे और फाइनली आज इस मूवी के ट्रेलर रिलीज हुई है। तो जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है इस मूवी को बहुत ही जल्द थिएटरों में रिलीज किया जाना है। बात की जाए ट्रेलर की तो दोस्तों द बर्थ 10,000 बीसी इस मूवी के ट्रेलर काफी हद तक शानदार बने हैं। इस मूवी के ग्राफिक्स, इस मूवी के लोकेशन और मूवी के अंदर सिचुएशन सब कुछ देखने लायक होंगे। आखिरकार 10,000 साल पुरानी एक अकेला आदमी की क्या सिचुएशन हो सकते थे इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की है। और इस मूवी के सबसे ज्यादा देखने लायक जो चीजें हैं वो है इस मूवी के लोकेशन। बीजीएम मूवी के हिसाब से काफी बढ़िया है, जब आप इस मूवी को देखोगे तो एक अलग सी फील करवाएगा आपको। डॉक्टर विक्रम जी इस मूवी को डायरेक्शन दी है, वही दोस्तों मूवी को प्रोड्यूस किया है प्रताप जैन ने। और स्टार कास्ट पे हमें देखने को मिलेगा प्रताप रन्ना जी को। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, इस मूवी के अंदर उतना भी पैसा खर्च नहीं किया गया है, नॉर्मल बजट वाली मूवी है, लेकिन कम बजट पे भी ये मूवी शानदार मूवी बने हैं। मूवी के अंदर आपको एक ही स्टार कास्ट देखने को मिलेगा, वो है प्रताप रन्ना जी। बहुत बड़ी चैलेंज होते हैं एक अकेला आदमी पूरी मूवी को संभालना, ऑडियंस का दिल जीतना। तो दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपने इस मूवी के ट्रेलर को नहीं देखे है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। और अगर आपने देख लिया है तो आपका है क्या रिएक्शन इस मूवी के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए, बॉक्स ऑफिस के खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।